आठ महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर नहीं आए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सुने। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय अगले दो महीने में राहुल जी अलग अलग नागरिक संस्थाओं से मिलेंगे, अलग अलग जगहों में पब्लिक मीटिंग होंगी और वो स्पष्ट करेंगे कि जब हम अन्याय की बात करते हैं, एक तो आलोचना करना एक बात है, हकीकत दिखाना एक बात है, पर हमारे पास क्या सुझाव है, कांग्रेस पार्टी के मन में क्या है नागरिकों को न्याय पहुंचाने के लिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसके बारे में राहुल जी बोलते रहेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और ये संदेशा फैलाएंगे। ये एक राजनीतिक पार्टी की यात्रा है। राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, ये वैचारिक यात्रा है, आइडियोलॉजिकल यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है, इलेक्टोरल यात्रा नहीं है, पर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल की यात्रा है। क्योंकि आज हमारे देश में सबसे बड़े चुनौती ये है कि हमें एक ऐसे विचारधारा का मुकाबला करना पड़ रहा है जो ध्रुवीकरण में विश्वास रखती है, जो अमीरों को अमीर बनाती है और जो राजनीतिक तानाशाही में विश्वास रखती है। तो ये जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं या आर्थिक अन्याय की बात करते हैं, महंगाई, युवा बेरोजगारी, आर्थिक विषमताएं जो बढ़ती रही हैं, वो मायने रखता है। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तब हम महिलाओं पर, आदिवासियों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है और जो सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो मायने रखता है। और राजनीतिक अन्याय की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं संविधान का जो नजरअंदाज किया जा रहा है, पार्लियामेंट का जो नजरअंदाज किया जा रहा है और जिस तरीके से एक तंत्र का तोप चलाया जा रहा है। हमारा देश लोकतंत्र नहीं रह रहा है। हमें गर्व है, हम हमेशा कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, पर आज जो हकीकत है, लोकतंत्र कम और एक तंत्र ज्यादा, और वो एक तंत्र एक ही व्यक्ति का तंत्र है। सो दिस इज द बैकग्राउंड टू द भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इट्स एन आइडियोलॉजिकल यात्रा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट टू मंथ्स राहुल गांधी जी विल बी इंटरैक्टिंग विद सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। ही विल बी एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स, टू पब्लिक मीटिंग्स एवरी डे, एंड ही विल पुट फॉरवर्ड टू द कंट्री a positive agenda on Nyay, on economic justice, which addresses issues of price rise, unemployment, economic inequality, on social justice, which addresses issues relating to social empowerment of Dalits, Adivasis, OBCs, women, minorities, and how to strengthen the roots of democracy from the grassroots, from nagarpalikas, from panchayats, to Vidhan Sabhas, to Lok Sabha and Rajya Sabha, how to strengthen democracy and strengthen democratic institutions. This is an ideological battle that the Congress party has mounted. The Bharat Jodo Yatra was an ideological yatra. The Bharat Jodo Nyay Yatra is an equally ideological yatra. But it is a yatra of a political party. It's not an electoral yatra. Chunavi yatra nahi hai.
तो साथियों, मैं रोज मौका मिलेगा आपसे मिलने का, बातचीत करने का। आज मैं इबोबी सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि कल के प्रोग्राम का महत्व जो है वो आपको कुछ बातें कहें, और कल के रूट जो बनाया गया है उसके बारे में हमारे पीसीसी अध्यक्ष बोलेंगे, और उसके बाद में आपके कुछ जो सवाल हैं मैं जरूर कोशिश करूंगा। और आगे आपके सवाल अरुणाचल प्रदेश के बारे में हैं तो आप नवम टुकी जी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश में भी जाएगी। अमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।